पहले समझ तो सही यार, ये है क्या चीज। मानव के मन को सुंदर बनाने का विज्ञान है ये। और मानव का मन अगर सुंदर नहीं बना, मकान बढ़िया बन गया आपका, दुकान बढ़िया बढ़िया बन गया, उसके बाद भी मैं कई बड़े बड़े मकान और दुकान के अंदर जाता हूँ, बड़ी गाड़ियों में वो चलते हैं, लेकिन जब मैं उनके नजदीक जाता हूँ तो लगता है ये आदमी तो परेशान है, इसके जीवन में तो कई तरह की समस्याएं बढ़ी। आपको लगता है कि सुंदर पत्नी मिल जाएगी तो हमारा जीवन, कितना दिन आजकल शादी के बाद कितना दिन सुंदर पत्नी का हिसाब किताब। दूसरा, अगर बहुत मतलब गहराई वाला आदमी है, एकदम मतलब डूबे हुए, तो अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है, जहां चमक दमक दिख रहा है वहां भी चमक दमक नहीं है। मन को, इंडिया टुडे ने एक बार गायत्री परिवार के बारे में छापा, मन बदलने का मिशन, मन बदलना, ये गायत्री परिवार का काम क्या है, क्या करता है, क्या बदलता है, कहीं किडनी बदलाता है, कहीं हार्ट बदलाता है, गायत्री परिवार क्या करता है, मन ही बदल देता है। हमारे चेहरे पर कभी दुख नजर आता है, हम तो हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। भगवान का मंदिर बनाया क्यों गया भाई, उनको रहने में दिक्कत वक्कत हो रहा था इसलिए हम लोग बना दिए, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ का जो विज्ञान था वो बड़ा ऊंचा विज्ञान था, जिसको आज पश्चिम ने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है। हमारा विज्ञान सिर्फ शरीर तक नहीं था, हमारा विज्ञान जो था वो शरीर से ऊपर था, मन, मानव का मन। जब हम शरीर वाले खाली हो गए तो सारा काम शरीर को ही समझ के कर रहे। और हमारे ऋषियों ने ये चीज़ कहा कि मनुष्य का जो शरीर है वो जो बाहर से दिखता है वो उतना ही मात्र नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन की सुख और शांति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अभी आपको बताया जा रहा था, मन। हम सब चीज़ की सफाई कर लेते हैं, चेहरा साफ करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, शरीर पर भी साफ ना भी हुआ तो आजकल वो क्या मार लेता है, डीओ या क्या मारता है, लेकिन आदमी के जीवन की जो समस्या है, दुर्गंध निकल कहाँ से रही है, स्मेल कहाँ से आ रहा है, आपके शरीर का स्मेल आ रहा है या आपके मन का दुर्गंध निकल रहा है। समस्या तो ये है कि इन दिनों मनुष्य के मन का जो दुर्गंध है वो पूरे के पूरे समाज को परेशान किए हुए है। कई बार देखने में लगता है क्या स्मार्ट है ये लौंडा, क्या लुक है यार इसका, लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जब उससे थोड़े देर दो चार मिनट बातें कर लो लगेगा ये तो फुहर है, उदंड है, इसके भीतर डेप्थनेस नहीं है, गहराई नहीं है, ये तो जीवन में 20 22 23 साल का उम्र हो गया है लेकिन इसको कोई बुद्धि नहीं है। हमारे ऋषियों ने वहाँ पर विचार किया था कि मनुष्य के मन को कैसे ठीक किया जाए, इसलिए उन्होंने माध्यम बना दिया, किसका, मंदिर, मंदिर का निर्माण हुआ। भगवान तो माध्यम बन गए, जैसे आप जिम में जाते हो ना तो जिम में कई तरह की मशीनें लगी होती है, मसल्स बनाने वाला अलग, वो ये वाला अलग, सब अलग अलग मशीन, दौड़ने वाला अलग, लिफ्टिंग अलग, क्या क्या, ये लोग ज़्यादा जानते होंगे। तो भगवान के यहाँ जो ये मूर्तियाँ लगी है ये क्या है, ये मूर्ति ये है कि हम अपने मन को कैसे उस मूर्ति को माध्यम बना के अपने भीतर के मन को बढ़िया बना सकें। लेकिन हमने तो मूर्ति को ही सब कुछ मान लिया, हमने मूर्ति के पीछे छुपे हुए विज्ञान को भुला दिया और मूर्ति को ही सब कुछ मान लिए। तो आज का यंग जनरेशन कहता है कि पत्थर के मूर्ति के पूजने से क्या मिलेगा, बात सही है, बात में दम भी है। कबीरदास जी ने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं किनको पूजू, पहाड़ को। उस पत्थर की मूर्ति में आपके भाव जगे कि नहीं जगे, नहीं, पत्थर की मूर्ति का तो हम पूजा कर रहे हैं लेकिन बगल में माता बहने खास कर, ये कैसी पूजा है तेरी रे भाई, अगर उन आप भी हो इसमें कम नहीं हो। तो देखिए, हमारे देश का जो मन को निर्मल और मन को शुद्ध करने का जो विज्ञान था उसी का नाम भारत का अध्यात्म था। मंत्र का जप भी हम इसलिए करते, भगवान को माध्यम बना के करते हैं, ईश्वर को माध्यम बना के करते हैं। और जब मन सुंदर होता है तो आप विश्वास मानिए, आपका शरीर भी सुंदर होगा, आपकी आत्मा भी सुंदर होगी। आपके चेहरे पर भले आप पॉलिश नहीं करें, तरह तरह के पॉलिश आते हैं मार्केट में, आप पॉलिश करें ना करें, आपका चेहरा ऐसे ही आकर्षक लगेगा, सुंदर लगेगा, सौम्य लगेगा। नहीं तो आजकल तो देख के डर लगता है,
ये कराकुल है, कहीं कुछ चुरा के भागने वाला तो नहीं, ये ठग तो नहीं है, ये नटवरलाल तो नहीं है, ये मंदिर में जा रहा है किस उद्देश्य से जा रहा है, लड़की को छेड़ने तो नहीं जा रहा है, लाइन तो नहीं देने जा रहा है, कुछ फंसने फंसाने तो नहीं जा रहा है, किसी ने कह दिया चलो वहां बहुत सारी लड़कियां आती है, कहीं इस भाव से तो ससुराल नहीं आ गया यहाँ। माफ करना, हमें विचार करना चाहिए, हमें हमारे अध्यात्म के सही स्वरूप को अगर हमारा यंग जनरेशन ने नहीं समझा तो आने वाला समय इस भारत को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। लोग कहते हैं मंदिर क्यों बनना चाहिए, अरे भाई मंदिर इसलिए बनना चाहिए, मंदिर इसलिए बनाया गया जहां से लोगों का मन शुद्ध किया जा सके, उसके विचार अच्छे बनाए जा सके। नहीं साहब डॉक्टर बना दो, डॉक्टर बना दो तो किडनी काट रहा है उसका क्या करें, आपने कहा ना कि डॉक्टर बना दो समाज का कल्याण हो जाएगा, अरबों खरबों रुपया कमा रहा है, दो दो हजार रुपया फीस ले रहा है, उसको दया भी नहीं लग रहा है कि किसी गरीब से ना ले, ये दया कहां से लाओगे, ये उसके भीतर मानवता कहां से लाओगे, उसके भीतर करुणा कहां से लाओगे, पता नहीं। ये इन चीजों को विकसित करने का जो विज्ञान था, जो टेक्नोलॉजी था, उसी का नाम भारत का अध्यात्म था। समझते हैं नहीं, ऊपरे ऊपरे हवा उड़ा देते, अरे पहले समझ तो सही यार, ये है क्या चीज, मानव के मन को सुंदर बनाने का विज्ञान है ये। और मानव का मन अगर सुंदर नहीं बना, मकान बढ़िया बन गया आपका, दुकान बढ़िया बढ़िया बन गया, उसके बाद भी मैं कई बड़े बड़े मकान और दुकान के अंदर जाता हूँ, बड़ी गाड़ियों में वो चलते हैं, लेकिन जब मैं उनके नज़दीक जाता हूँ तो लगता है ये आदमी तो परेशान है, इसके जीवन में तो कई तरह की समस्याएं बनी हुई। इसलिए भाई हमारे गायत्री मंत्र का, हमारे भारतीय अध्यात्म का मूल मंत्र यही है, दर्शन किसका। लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो, किसका दर्शन, किसका दर्शन, राम जी का दर्शन, राम जी का मूर्ति का दर्शन या राम जी के चीजों का दर्शन, किस चीज का दर्शन। कई लोग मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, माता बहनें जाती हैं, भाई जाते हैं, आजकल तो पर्यटन हो गया है तो वहाँ मथुरा के मंदिर में गए तो क्या देखे, देखो कृष्ण भगवान जी सोना का मुकुट पहने हैं, सोना देखी, अरे सोना देखना तो किसी ज्वेलरी के यहाँ चले जाओ, वहाँ क्या देखे, देखना क्या है, नहीं देखना है, माफ करना, हमें समझना पड़ेगा हमारे चीजों को, हमारी चीजें इतनी मजबूत है, अगर दुनिया में कहीं सुख और शांति देने की ताकत रखता है तो वो भारत के अध्यात्म की ताकत है, जिसको हमने आज भुला दिया है, हमने आज समाप्त कर दिया है, हम तो पूजा तक सिमट गए, हम तो आज वो कीर्तन भजन तक सिमट गए, हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहा, हमारे जीवन में कोई सुख और शांति नहीं है। कितने पूजा करने वालों के जीवन में मैं इतनी अशांति देखता हूँ, मुझे डाउट हो जाता है कई बार, होना स्वाभाविक है। माफ करिएगा, हम तो उस विज्ञान को मानते हैं जो इंसान को अंदर से इंसान बनाए, मनुष्य को मनुष्य बनाए, उसके भीतर किसी के दुख को देख के दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप इस पर विचार करिए। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो, आप चंद्रमा की बात करते हो, आप मंगल की बात करते हो, अरे भैया ईरान और इजराइल में युद्ध होने वाला है, रोक दो टेक्नोलॉजी से, वो दो साल से वहां युद्ध चल रहा है रूस और, रोक दो, रोक दो, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो ना, रूस भी हाई टेक्नोलॉजी और वो जो कंट्री है ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया, कहां टेक्नोलॉजी रोक पाया, कहां विज्ञान रोक पाया, कहां ओपन, भाई ये आज का हम मॉडर्न युग के लोग हैं, वो भी मॉडर्न था, बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी चीजें क्या थी, हमारी कौन सी चीजें थी, हमें समझना पड़ेगा, अगर हम नहीं समझ पाए तो हम आत्मघाती कदम उठाने जा रहे हैं। मंदिरों का भीड़ बढ़ रहा है, मंदिरों में संख्या बढ़ रही है, मंदिरों में इतनी भीड़ जा रही है, लेकिन वो भीड़ किसी काम का नहीं। आप देखो, मैं कमेंट नहीं करता, अभी सावन का महीना आएगा, कमरिया लोग झुंड का झुंड बना के भोला बाबा भोला बाबा भोला बाबा, इधर से कहेगा भोला बाबा, उधर से कहेगा गांजा बाबा, दारू पी रहा है, महिलाओं को छेड़ रहा है, पैंट पहने हुए, क्या मजाक बना दिया यार, ये तो नहीं रहना चाहिए। मैं इन चीजों से कहता हूँ भारत का ये चीज था ही नहीं, ये तो खराब होते होते हम यहाँ पहुँचा दिए, हमें विचार करना होगा। मैं परसों देख रहा था जी न्यूज DNA, आप लोग क्या देखते हो पता नहीं, IPL देखते होगे, कौन जीता कौन हारा उस पर लगाते भी होगे कुछ, कोई जीत गया तो मेरा आ गया, ठीक है अच्छा है लगाओ। मैं देख रहा था तो उसमें ये दे रहा था कि स्पर्श चिकित्सा,
जो भारत में है वो जर्मनी ने अभी रिसर्च किया है, आप सब लोग के पास मोबाइल है, परसों के जी न्यूज को जाके टटोल लीजिएगा, उसमें वो दे रहा है कि भारत के जो स्पर्श चिकित्सा थे, हम किसी को प्रणाम करते थे या किसी रोगी के सर पर हाथ डालते थे या छोटा बच्चा को हम ये करते थे, उसका क्या माइंड पर और बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर रिसर्च हो रहा है। हमारी तमाम वैदिक चीज़ों पर रिसर्च हो रहा है और हमारे तमाम विज्ञान पर रिसर्च हो रहा है, मनुष्य के अंदर की खुशी को कैसे प्रदान किया जाए इस पर रिसर्च हो रहा है। वो सब हमारा वेद है, सब हमारा उपनिषद है, लेकिन आज हम अपने उन चीज़ों को भुला लिए, उन चीज़ों को समाप्त कर लिए। आपको लगता है कि सुंदर पत्नी मिल जाएगी तो हमारा जीवन ऑफ, कितना दिन आजकल शादी के बाद कितना दिन सुंदर पत्नी का हिसाब किताब, 2 साल। अगर बहुत धार मतलब गहराई वाला आदमी है, एकदम मतलब डूबे हुए, तो हैं आपसे पहले हैं ये बाद में हैं। हाँ, अब जिसका नहीं हुआ तो मुस्कुराएगा बेचारा कि हम लोग का तोहफे नहीं किया। सब नहीं होता, आपको जब तक अंदर की खुशी नहीं मिलेगी वहां भी खुशी नहीं है यार। आपको क्या लगता है कहीं कुछ बढ़िया लुक, हवा मिठाई खाइयो हवा मिठाई खाइयो, कितना सुंदर, ओह बहुत बड़ा है ना, मुंह में गया कहाँ चला गया आजकल जितने लुक हैं उनकी वही हालत है, वो हवा मिठाई है, दूर से देख खा मत, माफ करना। हम तो देख के कभी कभी दया लगता है, हमको देख के दया लगता है, इनके चाल ढाल को देखते ही ये कहाँ जाएगा। कल एक व्यक्ति आया परसों मिलने हमसे, डॉक्टर है भाई, शशांक जी डॉक्टर है भाई, और आया और मेरे पैर पर एकदम अपना मस्तक रख दिया। हमने कहा अरे भाई क्या हुआ, अरे भाई काम डॉक्टर है। अरे डॉक्टर है तो क्या हुआ, बहुत परेशान चल रहे हैं हम। क्या हुआ क्या, तो रास्ता चलते हैं तो लगता है ना कि कोई हमको धमकी दे रहा है। मैंने पूछा कितना दिन पहले ब्याह हुआ, कहा 3 साल। हमके पत्नी हुमचाती भी है, उसी में ये सब बीमारी फैलता है माफ करना। तो हम पूछे तोरा एगो दवाई बताए थे युवा मंडल में जब जुड़ा था, तो गायत्री मंत्र जपता है कि छोड़ दिया छूट गया। हम कहे तब तो हमला होवे ना कर तोरे, तुमको बताए थे ना जब जपी हैं तो मन मजबूत होगा। हम पूछे कितना सैलरी है, कहा 70,000। कितना है, उतने है आप भी तो ड्यूटी में है। हाँ शशांक जी 70,000। किसी लड़की का अगर शादी हो, लड़का का है तो डॉक्टर है, दामाद क्या हथी डॉक्टर हथी, डॉक्टर आला लेके देखा हथी ऐसे ऐसे अब उनके आला लगे के टाइम आ गेलो, अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। जहां चमक दमक दिख रहा है वहां भी चमक दमक नहीं है। रूम में एक नोटिस टांग लेना मेरे तरफ से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये गायत्री मंत्र इसलिए दे रहे हैं भाई, ये जपेगा तो देख के परख लेगा, नहीं रे झुलफी तोहर झुलफी में झाल हो, है तू झंड है रे, जिंदगी झंड हो जाएगा, माफ करना भाई। ये समझदारी विकसित हो जाती है, ये समझदार अध्यात्म ये है ना। हम मूर्ति के सुंघावे यो अगरबत्ती, सुगंधित गुलाब छाप सुंघिए, तुम ही सुंघ लो, कमाल है रे भाई। टोटल चीज को ध्वस्त कर दिया, जैसे कोई आदमी मर जाता है, प्राण निकल गया है, घर वाला होकर रू कर अरे काहे को तो गेलो ऐ रो रहा झूठे। जब सेवा करना था, रियल में वो बीमार था, उस समय सेवा की आवश्यकता, बुढ़वा मरियो नहीं रहा है, बाहरे दुनिया कमाल है। ये जाली लोग, अध्यात्म यहीं पर काम करता था, भीतर की सच्चाई अच्छाई ऐ ये चीजें थी, समाप्त हो गया। पूजा है कीर्तन है, इसका इसको पतला नहीं मोट बांध दीजिए पंडित बनवा लाल, अरे रस्सा बांधे कर हाथ में, बांधे रस्सा कर हाथ में, हथकड़ी पहन ले तू,
चोर सब चक्का। आप लोग ने माफ करना, मैं कभी कभी देखता हूँ, समझता हूँ और पाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि हमारी ये पीढ़ी भी कहीं ऐसे अध्यात्म में न जुड़ जाए जहाँ हमारा फिलॉसफी समाप्त हो जाए, हमारा वैदिक दर्शन समाप्त हो जाए, जहाँ दुनिया पहले स्वीकार कर ले और भारत का युवा को भी अमेरिका से आवे समझाए अध्यात्म समझते हो। अब हमको ये डाउट हो रहा है कि आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जर्मनी से लोग आएंगे आपको अध्यात्म समझाने। चीज आपका, सब्जेक्ट आपका, लेकिन आएगा कहाँ से? अमेरिका से आए, जापान से आए। इसलिए भाई जिंदगी को खुशहाल रखना है ना, तो इससे बढ़िया टॉनिक कुछ नहीं है। आपको लगता है कि मेरी नौकरी लग जाए तो जिंदगी आसान हो जाए, आपको लगता है मेरा रिजल्ट हो जाए तो जिंदगी में मजा ही मजा है, सवाल ही नहीं उठता है। आप समझदारी का घोर अभाव है, और वो दरोगा से भी सुखी नहीं होगा। हम तो हम बता रहे हैं, लिख के हमसे ले, लिख के ले लो, सुख यहां से मिलता है, हृदय से। और गायत्री मंत्र हम मुंह से नहीं जपते, ये मुंह से तो टपट 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 टप 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 होता है, ये यहां से जो हमारे हृदय को बदल दे, मन को। इंडिया टुडे ने एक बार गायत्री परिवार के बारे में छापा, मन बदलने का मिशन, मन बदलना। ये गायत्री परिवार का काम क्या है, क्या करता है, क्या बदलता है? कहीं किडनी बदलाता है, कहीं हार्ट बदलाता है, गायत्री परिवार क्या करता है? मन ही बदल देता है। यहां कितने लोग बैठे हुए हैं, ईमानदारी से बताइए कितने लोगों का मन बदला है पहले में और आज में, ईमानदारी से हाथ उठाइए। मन ही बदल जाता है, मन चेंज हो जाता है, मन में परिवर्तन आ जाता है, यही परिवर्तन है। मन बदलने से क्या होता है, आदमी के जीवन में भौतिक सुख नहीं मिलता है। अरे भैया, हमसे ज्यादा भौतिक सुख कौन लेगा, हम तो भोग रहे हैं भौतिक सुख, तुम तो देख रहे होगे। गाड़ी देखी, पीछे भी सीट है। अरे तो पीछे सीट रहवे न कराई रे, हैं? मैं तो भौतिक सुख भी ले रहा हूं और भौतिक आनंद भी ले रहा हूं, आध्यात्मिक आनंद भी ले रहा हूं। लेकिन साहब, आज के जमाने में ना तो भौतिक सुख लोग ले पा रहा है, ना अध्यात्म। सोफा पर बैठा हुआ है, मुंह पर 12 बजा हुआ है। अरे सोफा पर बैठे गद गद होता है, आनंद लो हे भगवान, कितना बढ़िया गद्दा दिए हैं आप। नहीं, बगल वाले के यहाँ चले गए, उसके यहाँ तनी दूगो गद्दा वाला है, तब वो गद्दा गरने लगा, अब तेरे मन में ईर्ष्या है। ये गायत्री मंत्र काम करता है, आपके मन में संतुष्टि पैदा करता है, आपके मन में धैर्य पैदा करता है, जो मिला है उसका मजा लेना सिखा देता है। कौन? गायत्री मंत्र। जो मिला उसी में मजा। देखो साहब, बहुत सीरियस सीरियस क्या समझाएं आपको, आप तो ऐसे ही सीरियस हो, आप तो ऐसे ही सीरियस। भैया हॉस्टल में सो के गिर गए थे रात में, ठीक की थी, पैर हाथ बचा कि टूट गया। अरे क्या यार, जिंदगी को बना के एकदम ऐसा बना दिया है, मंदिर जा रहे हैं एकदम सीरियस हैं, अभी देखे हनुमान मंदिर पर भी कई बार देखते हैं, बच्चा ले ले है, पत्नी साथ में, कौन ही मार रही, चलन वो बेचारा सोच रहा होगा कौन कु घड़ी में कैसे ब्याह किए। कोई इंजॉय नहीं लाइफ को, पूरा बोरिंग लाइफ, पूरे मरते मरते दम तक बोरिंग जीवन, लाख एकदम निराश, हताश, उदास, परेशान। माफ करना, भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दिया है, भगवान ने जिंदगी, ये है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब खुशी, अध्यात्म मतलब आनंद, अध्यात्म मतलब भीतर का खुशी, दूसरे को देख के भी प्रसन्न होना। साहब अगर हम अपनी गाड़ी पर चढ़ते तो एक दो गाड़ी पर चढ़ते, चार गाड़ी पर, आज अगर हम गाड़ी का कहें कि साहब हमको काफिला निकालना है, कितने देर में 50 गाड़ी में ले आ सकता है, 50 गाड़ी। अब सोचो साहब, हम तो ये खुश रहते हैं कि साहब मेरे पास 3 वो गाड़ी है, लेकिन 40-50 गाड़ी और है मेरे पास। अब सोचिए, दूसरे के गाड़ी को भी हम अपना ही गाड़ी समझते हैं, क्यों? उसका गाड़ी भी मेरा ही गाड़ी है। ये फीलिंग्स, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, नहीं वो तो उसका है, ये मेरा है, वो तेरा है, वो चाची के है, वो मौसी ले गई, हमारा गाली दी, ठीक की मारी नहीं। गायत्री मतलब उदारता, गायत्री मतलब आनंद। ये मत सोचो कि हम आनंद दे रहे हैं तो वो हमको देगी, नहीं देगी।
हम स्वयं आनंद में, उदय ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। ये अंदर की खुशी होती है, प्रसन्नता होता है। पढ़ रहे हैं, टेंशन में है रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। माफ करना, हम तो उस जमाने में आ गए हैं भाई। कल प्राइम मिनिस्टर, परसों भारत के कौन गेम क्या होता है वो गेम खेलने वाले से मिले हैं, टॉप इंडिया के टॉप पैसा कमाता है शायद गेम खेल के। उसमें इंडिया के जो टॉप, नहीं ये सब नहीं देखते हैं आप लोग, तो बस बायोलॉजी ढुक, मैथ में ढुक, कहीं ना ढुक में इंडिया। अब तो साहब उसमें भी पैसा है, अरबपति है वो सब, लड़कियां भी थी उसमें। प्राइम मिनिस्टर अपने आवास पर बुला के मिले हैं, आठ या नौ लोग था जो गेम खेल के पैसा कमा रहा है, गेम खेल के ऐसे लोगों को बुलाए, और अरबपति है वो सब, सब युवा, अभी अनमैरिड, सब लड़कियां भी थी उसमें, सब सेल्फी ली प्राइम मिनिस्टर के साथ। आज के जमाने में तो पैसे बटोरने के लिए इतने जगह पड़े हुए हैं, नहीं लेकिन हम लोगों का बिहार का एक जगह चोंच मारते हैं, भले वो चोंच मारते मारते हमार चोंच उससे अधिक नहीं, हमको बस कहीं ढुका दीजिए, के पाठक से मिलवा दीजिए, चलिए मिलवा देते हैं, अभिषेक पाठक बैठल है, माफ करना भाई। ये समझदारी, ये अध्यात्म है, भगवान की मंदिर, मन को शुद्ध, मन को पवित्र करना, मन को अच्छा बनाना, मन को सुंदर बनाना, ना मतलब ये समझ में आ रहा है कि अच्छे चीजों के लिए हम तैयार, ऐसा ही दिखाइए। बढ़िया गाना हमारा कोई सुनाए लड़का तो उसका व्यूअर सांस तक जाएगा तो 2000, आ कोई सुना दे गिरो तो गिरो, गिर के मजा लो तो फिर देखिए उसका शाम तक चला जाएगा 4-5 लाख। ये समाज बदबू में रहने में मजा ले रहा है, और नाली में कीड़ा चलते देखे हैं, नाली दुर्गंध वाला, नाली लौज वाला, आपको उस कीड़ा पर दया आ जाए, आहा बेचारा नाली में, सब जीव पर दया करना चाहिए, लौज से उसको निकाल के युवा मंडल में ले चलते हैं। हम आपको बता रहे हैं उस नाली के कीड़ा पर आप दया करके देखिए, क्योंकि सब जीव के प्रति दया है, अगर उसको नाली से निकाल के साफ किए और ऊपर में रख दिए तो कितना देर जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसको उसी नाली में मजा आ रहा है, बड़ा मस्ती है इस मेरे भाई, उसको इस जगह पर नहीं आएगा। आप किसी भी व्यक्ति को अच्छे जगह पर ले जाइए, गुरुदेव ने इस पर एक उदाहरण दिया कि अगर मक्खी बगीचा है, फूल है, वादी है, वो अपना सामान खोजेगी, मेरा वाला मटेरियल कहाँ है। इसलिए भाई अच्छे चीजों से जुड़ना बहुत मुश्किल है, और बुराई की ओर जाना सबसे आसान काम। इसलिए गायत्री मंत्र की उपासना, गायत्री मंत्र की साधना हम लोग इसलिए कराते हैं, हमारे चेहरे पर कभी दुख नजर आता है, हम तो हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमको लगता है दुनिया के अंबानी हैं हम। सही पूछिए तो फॉर्चुनर पर जब बैठते हैं और कार्यक्रम में जाते हैं और वहाँ उतरते हैं, माला वाला लेके सब खड़ा रहता है, लगता है ओ अमिताभ बच्चन फेल है सर, आप लोग एक गो माला पहने लो हमरा, अरे भैया आनंद लो ना, भगवान ने कितना बढ़िया मौका दिया है, कितना सुंदर दिया है, हर चीज का एक आनंद होता है, एक टाइम होता है, प्रेशर में, परेशान ये में, इसलिए भैया मैं ये बात आपको कहता हूँ, इसको गायत्री मंत्र से जोड़ के करो, भाव से जोड़ के करो, आपके जीवन में इसका लाभ मिलेगा।